श्री केदारनाथ धाम के कपाट आज विधि विधान के साथ भक्तों के दर्शनार्थ के लिए खुल गए हैं। इस अवसर पर आज प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल अवकाश प्राप्त गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। कपाट खुलने के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा निर्देश पर तीर्थ यात्रियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की सरकार ने हर संभव प्रयास किया है कि यह यात्रा हमारे आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए सुगम हो और किसी भी प्रकार की कठिनाई ना हो। आगे उन्होंने कहा कि बाबा के आशीर्वाद से ये यात्रा सभी के लिए मंगलमय हो। ये बाबा का प्रांगण आपको नए स्वरूप में दिखाई देगा। उत्तराखंड की सरकार ने हर संभव प्रयास किया है कि ये यात्रा हमारी आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए सुगम हो, सरल हो और किसी प्रकार की कठिनाई उनको न हो। हालांकि मौसम की बर्फबारी के कारण से, अनेकों कारणों से ये यात्रा चुनौतीपूर्ण भी है, कठिन भी है, लेकिन बाबा के आशीर्वाद से सभी की यात्रा मंगलमय हो। आने वाले वर्षों में ये यात्रा और आसान होगी जब आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो रोपवे का यहाँ के लिए शिलान्यास कर दिया है, जो भी इस यात्रा को संयोजन में अपना योगदान दे रहे हैं, उन सबका मैं अपनी ओर से धन्यवाद करता हूँ कि वो यात्रा को उन्होंने सुचारू रूप से प्रारंभ किया और बाबा केदार की कृपा से आगे भी यात्रा सुचारू रूप से चलेगी। सभी श्रद्धालुओं का, सभी आने वाले तीर्थ यात्रियों का, बाबा केदार की इस भूमि पर सबका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और आप देख रहे होंगे कि ये एक इस बाबा केदार का ये प्रांगण 2013 की आपदा के बाद पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और उनके निर्देशन में केदारपुरी का भव्य और दिव्य निर्माण हुआ है। आने वाले समय में, जल्दी ही आने वाले वर्षों में केदारपुरी तक की यात्रा रोपवे से हो पाएगी। और इस बार हम लोगों ने प्रयास किया है कि सभी जो यात्रा में सहयोग करने वाले लोग हैं, सामाजिक संगठन हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, सबके सहयोग से ये यात्रा हमारी सभी के लिए सुगम होगी, सबके लिए सरल होगी, आसान होगी। और सारे प्रबंध जितने भी पिछले वर्षों के अनुभव से हम सबको प्राप्त हुए हैं, उसको आगे बढ़ाने का काम यहाँ पर किया गया है। क्योंकि मौसम की बर्फबारी के कारण से अभी यात्रा में थोड़ा सा परेशानी है, सभी श्रद्धालुओं से भी और आने वाले जो आस्थावान लोग हैं, मैं उन सबसे अपील भी करता हूँ कि मौसम की जानकारी करने के बाद ही अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएं। बाकी दो धामों में यात्रा सुचारू रूप से चल रही है, गंगोत्री और यमुनोत्री में। बाबा केदार में भी आज बहुत खुशनुमा माहौल है, बाबा की कृपा से सभी की यात्रा मंगलमय हो। पिछले वर्ष माननीय प्रधानमंत्री जी ने रोपवे का शिलान्यास किया है और जल्दी ही यहाँ भी बाबा केदार की भूमि पर भी और हेमकुंड साहब की यात्रा, दोनों की यात्रा जो कि एक कठिन यात्रा मानी जाती है, दोनों ही आने वाले वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में और उनके कारण से जो उन्होंने यहाँ का भव्य निर्माण किया है, दिव्य निर्माण किया है, उसके कारण से जल्दी ही सरल होगी।